देखिए, भ्रष्टाचार को इवेंट मैनेजमेंट में परिवर्तित करने से भ्रष्टाचार छुप जाए ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। जब से ये एक्साइज घोटाला, शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने किया है, तब से हमने देखा है हर विषय पे आम आदमी पार्टी ने बात किया है। बस जो मेन विषय एक्साइज पॉलिसी का है कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, आपने ये एक्साइज पॉलिसी इतना अच्छा था तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा, कार्टलाइजेशन आपने अलाउ क्यों क्यों किया, इन प्रश्नों का कोई उत्तर मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। और आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्ने भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। प्रश्नों का उत्तर उन्हें सीबीआई के पास देना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता।